Welcome to this video, students. In this video, we are going to solve exercise number 4.1, question number 1. और यहाँ पे आपको question दिया है, check whether the following equations are quadratic or not. यहाँ पे आपको नीचे different different equations दिए होंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक में equal to की sign है, इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे? Equations बोलेंगे. लेकिन हमें ये check करना है कि क्या ये सारे equations quadratic equations है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. और क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद दिया है, x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. ठीक है, तो जब भी हमें चेक करना होगा कि जो भी गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इक्वल टू की साइन दी है, तो यहाँ पे होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड होता है हमारा राइट हैंड साइड. तो जो भी चीजें हमें राइट हैंड साइड में दी है, उसको हम सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. और उसके बाद जो भी प्लस माइनस होता है लाइक टर्म्स के बीच में, जो भी प्लस माइनस होता है वो कर देंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी वेरिएबल हमारा एक्स है उसकी मैक्सिमम पावर क्या 2 है. अगर 2 होती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे जो भी राइट हैंड साइड में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने से पहले जो भी इसमें सिंप्लीफिकेशन होता है वो कर देते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर आप x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिख देना है. अगर आप इतना लिख देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, मैथ्स में याद रखना है कि कभी भी जब भी दो टर्म का स्क्वायर दिया हो, ठीक है, यहाँ पे x और 1 दोनों प्लस में है और दोनों का स्क्वायर दिया है, तो कभी भी इस तरीके से नहीं होगा. ऑलवेज आपको आइडेंटिटी अप्लाई करके ही उसका स्क्वायर करना होगा. तो मैथ्स में आपका कभी भी दो टर्म का स्क्वायर इस तरीके से आता है तो आपको ऑलवेज आइडेंटिटी अप्लाई करना है. और क्लास 8 में हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. तो ये वाली आइडेंटिटी हमें ऑलवेज अप्लाई करनी होगी जहां पे भी दो टर्म का स्क्वायर आता है. ठीक है, इस आइडेंटिटी से हमें क्या पता चलता है कि x प्लस y स्क्वायर का एक्सपांशन होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे तीसरा टर्म एक एक्स्ट्रा बनेगा. ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, लेकिन बीच में एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा. वो टर्म कौन सा होगा? तो यहाँ पे 2, हर एक इक्वेशन के अंदर 2 फिक्स है. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे फर्स्ट होगा वो लिख देना है, एंड मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे सेकंड है वो लिख देना है. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू फर्स्ट क्या है x, इंटू सेकेंड क्या है y, तो इस तरीके से लिख दिया तो क्या बन रहा है 2xy. तो इस तरीके से ऑलवेज इसका एक्सपांशन आपको करना है. तो यहाँ पे भी x प्लस 1 का एक्सपांशन करने के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, और लास्ट में मैं अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं तो बन जाएगा 1. लेकिन इतना लिखने पे आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें और एक एक्स्ट्रा टर्म लिखना है. ठीक है, जब भी दो टर्म का हम स्क्वायर करते हैं तब तीन टर्म्स बनेंगे, जिसमें से एक टर्म होगा पहले टर्म का स्क्वायर और ये वाला टर्म होगा दूसरे टर्म का स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म बनेगा, अगर यहाँ प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया है x दिया है, इंटू सेकेंड टर्म आपको क्या दिया है 1 दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर करना है. नेक्स्ट यहाँ पे दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो अगर यहाँ पे 2 में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एक्स बन जाएगा 2x. फिर यहाँ 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ये 2 जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट के अंदर टोटल दो चीजें हैं, तो दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, एंड 2 3 हो जाएगा 6, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा माइनस. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये फर्स्ट हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एंड 2 इंटू एक्स इंटू 1, तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है. फर्स्ट है 2 इंटू एक्स इंटू 1, सबसे पहले नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वन हो जाएगा 2, फिर वेरिएबल्स को पीछे जोड़ देंगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 2x होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6. तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया. अब हम क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमारा पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें टू एक्स और माइनस सिक्स को हम राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो प्लस 2x का बन जाएगा माइनस 2x और माइनस 6x का बन जाएगा प्लस 6. और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 0, क्योंकि वहां से सारी चीजें हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले रख दी है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम 0 लिख देंगे. उसके बाद जैसे ही हम राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद लाइक टर्म्स के बीच में जो भी प्लस माइनस होता है वो हम कर देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो कोई और टर्म एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, तो लाइक टर्म इसके साथ दूसरा कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का सिर्फ हम एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2x, तो ये हो गया x वाला टर्म, तो यहाँ पे दूसरा कोई x वाला टर्म है तो ये रहा x वाला टर्म. ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैसे होंगे, लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों के अंदर
x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन। तो ये वाला 2x पॉजिटिव है और ये वाला 2x नेगेटिव है, तो दोनों में होगा सब्ट्रैक्शन, तो 2 माइनस 2 ये क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि प्लस 2x माइनस 2x कट हो जाता है, तो ये बन जाएगा 0 और दोनों हो जाएंगे कट। फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर वाला टर्म। तो दूसरा नंबर वाला टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस 6 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कैसे होंगे, लाइक टर्म्स होंगे और दोनों की साइन इक्वल है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों की साइन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 6 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन होगा। उसके अंदर हम देखेंगे जो भी वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये नंबर वाला टर्म है, तो दोनों अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पे दोनों ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर नहीं कर देना है, ये टर्म ऐड नहीं हो सकता, तो इसका सिंप्लीफिकेशन यहां तक ही हो सकता है, इसके आगे इसका सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन बना उसके अंदर वेरिएबल x है और उसकी पावर 2 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ओके, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x, ठीक है। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, जो भी टर्म्स हमें राइट हैंड साइड में दिए उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने से पहले हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिंप्लीफाइड ही पहले से दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ माइनस 2 है उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के अंदर टोटल दो चीजें हैं, तो दोनों के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नंबर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। नंबर नंबर मल्टीप्लाई पहले कर दो, उसके बाद साइन डिसाइड करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे 2 था नेगेटिव, 3 था पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी, माइनस। अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2x। अब उसकी साइन डिसाइड करते हैं तो माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2x आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस हो गया, तो ये टर्म भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x पहले से ही था, माइनस 6 इस साइड आएगा तो प्लस 6 बन जाएगा, और ये प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x बन जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में रहेगा 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स है उसको हम ऐड और माइनस होते हैं उस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो वहां पे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का हम रहने देंगे एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म ये भी एक्स वाला टर्म है और ये भी एक्स वाला टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब देखते हैं कि वो ऐड होंगे कि माइनस होंगे, तो यहाँ पे इसकी साइन भी नेगेटिव, इसकी साइन भी नेगेटिव, और जब सेम साइन वाले टर्म्स होंगे तब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट नंबर वाला टर्म, तो नंबर वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो दूसरा कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो वही यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम देखते हैं, तो वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सेकंड भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ओके। यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी आपको चीज दी है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लीकेशन होता है वो हम कर देते हैं, तो यहाँ पे दो टर्म्स और यहाँ पे भी दो टर्म्स है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ के दोनों मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x का टर्न हो गया खत्म। फिर 2 की बारी आएगी, फिर 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे दो टर्म्स और यहाँ पे भी दो टर्म्स है, तो 2 इंटू 2 टोटल 4 टर्म्स हमारे बनने चाहिए। वो 4 टर्म कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म बनेगा, फिर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म, फिर 2 की बार आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड टर्म, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फोर्थ टर्म।
ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे और फिर बाद में साइन डिसाइड करते जाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो बन जाएगा x स्क्वायर, और ये भी प्लस, तो इसकी साइन भी कैसी होगी, प्लस रहेगी। फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और x मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1x, जिसको हम x लिखे तो भी चलेगा, ये भी प्लस, तो इसकी साइन भी क्या आएगी, प्लस आएगी। फिर 2 की बारी होगी, ठीक है, यहाँ पे 1 के बाद कोई भी मेंबर नहीं है तो x का टर्न अब खत्म हो गया, अब टर्न किसका आएगा, 2 का टर्न आएगा, तो 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन होके हमें चार टर्म्स ये वाले मिलते हैं। फिर हम इसका मल्टीप्लीकेशन यही मेथड यूज करके करेंगे, सबसे पहले x से स्टार्ट करते हैं, तो x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे साइन होगा, प्लस 1 इंटू x होगा x, माइनस प्लस होगा माइनस, एंड 1 इंटू 3 होगा 3, एंड माइनस प्लस होगा माइनस। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते, तो यहाँ पे जो टर्म थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे ये सारे टर्म्स इस साइड आएंगे तो सबकी साइन चेंज होगी, तो प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स का यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस एक्स, और माइनस थ्री का हो जाएगा प्लस थ्री, और यहाँ पे बचेगा जीरो, तो इज इक्वल टू हम लिख देंगे जीरो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म और दूसरा कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्स वाले टर्म, तो एक दो तीन और चार, चार टर्म्स यहाँ पे एक्स वाले है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स को एड कर देते, तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1x और 1x तो बन जाएंगे 2x, ठीक है, और उसमें से फिर नेगेटिव वाले माइनस करते जाते हैं, तो ये 1x और 1x बन जाएगा 2x, उसमें से ये माइनस 2x हो जाएंगे, तो वो कट हो जाएंगे, फिर हमें बचेगा सिर्फ एक ही टर्म, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 3x। अब देखते हैं नंबर वाले टर्म्स, तो नंबर वाले टर्म्स माइनस 2 और प्लस 3, ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइन के, तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 माइनस 2 बन जाएगा 1, और क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है 3, तो यहाँ पे साइन लगेगी उसकी, तो यहाँ पे 3 प्लस था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा फाइनली सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, एक्स वाला टर्म है और ये कॉन्स्टेंट नंबर है, तो इसको फिर हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसमें हम चेक करेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ये वाला जो इक्वेशन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया है, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू करके आपको दिया है एक्स इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी चीज दी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो कर देंगे, और यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन दिया है, तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सबसे पहले एक्स होगा 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है x इंटू 2x, सबसे पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे नंबर सिर्फ एक ही दिख रहा है 2, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x 2 बार आ गया, तो x मल्टीप्लाई x क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ x और 2x का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। नेक्स्ट x की मल्टीप्लीकेशन होगी 1 के साथ, तो 1 इंटू x होगा x, और ये भी प्लस 1 भी प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी, ओके। नेक्स्ट 3 की बारी, ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2x, सबसे पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 हो जाएगा 6, और वेरिएबल्स फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे एक ही है x, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6x, तो 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, एंड माइनस प्लस यहाँ पे लिख देंगे माइनस, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई x होगा तब वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड x मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 5x, एंड ये भी प्लस, तो साइन क्या आएगी, प्लस क्या आएगी, ठीक है, साइन ऑलवेज इस तरीके से डिसाइड करना, तो आपको थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई हो गया, तो हम राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ पे था 2x स्क्वायर प्लस एक्स
माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इस, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस फाइव एक्स इस साइड आएगा तो बन जाएगा माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बचेगा जीरो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लाइक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ पे कोई भी दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे ये टर्म आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाला है, और दोनों की साइन कैसी है, ऑपोजिट है, टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब डिफरेंट साइन होगी तब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, तो टू माइनस वन तो बचेगा वन एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बड़ा है टू एक्स स्क्वायर तो उसकी साइन पॉजिटिव है, तो इस एक्स स्क्वायर की साइन आ गई पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्स वाले टर्म्स, तो एक्स वाले टर्म यहाँ पे एक दो और तीन एक्स वाले टर्म्स है, उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को सबसे पहले ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया वन तो बन गया x, और नेगेटिव्स वालों को ऐड करें तो माइनस सिक्स और माइनस फाइव दोनों मिलके क्या बन जाएगा, माइनस इलेवन। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं, याद रखना है कि सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो एक बड़ा नेगेटिव मिलेगा, फिर एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा नेगेटिव मिल जाए, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है, और दोनों में से जो भी बड़ा है उसकी साइन हम रख देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एक ही था तो वो बना हमारा प्लस एक्स। ठीक है, फिर नेगेटिव वाले दो थे तो वो दोनों ऐड हो गए, और सिक्स और फाइव हमारा बन गया माइनस इलेवन एक्स, तो ये वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला दो टर्म्स बने, उसका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो इलेवन माइनस वन। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है तो इलेवन माइनस वन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और बड़ा कौन था, इलेवन, तो उसकी साइन यहाँ पे आ जाएगी माइनस। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस नहीं पता चले तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो में। ठीक है, पीछे कर लेना 10 सेकंड और फिर से एक बार देख लेना कि क्या प्रोसेस करनी है, और इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करना तो प्लस माइनस में आपकी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर वाला टर्म, तो यहाँ पे नंबर वाला टर्म एक ही है। ठीक है, माइनस थ्री, तो यहाँ पे नीचे डायरेक्ट कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस थ्री आ जाएगा इस तरीके से, और इक्वेशन बन जाएगा हमारा इस तरीके से, और इसके अंदर वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो टू है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन नंबर फोर भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर फाइव जो है वो एकदम इक्वेशन थ्री जैसा ही है, आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो, तो इक्वेशन नंबर फाइव आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, नीचे कॉमेंट करो यस या तो फिर नो। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव आप खुद से सोल्व करो, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो नीचे कमेंट करो कि यस, और नहीं बन रहा है तो नीचे कमेंट करो और नो। ठीक है, खुद से सोल्व करो क्वेश्चन नंबर फाइव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोसेस जो होगी वो सेम ही रहेगी, क्या करेंगे कि जो भी राइट हैंड साइड में टर्म्स थे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों टर्म्स हमें पहले से ही सिंप्लीफाइड दिए हुए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और वन कॉन्स्टेंट नंबर वाला टर्म, तो यहाँ पे तीनों अनलाइक टर्म्स है तो तीनों में से कोई भी टर्म एड नहीं होंगे, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म का स्क्वायर है, और हमने पहले सीख लिया कि जब दो टर्म का स्क्वायर होता है तो क्या होगा, तीन टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x का स्क्वायर लिख देंगे और टू का स्क्वायर फोर लिख देंगे। ठीक है, ऑलवेज याद रखना कि ये पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों ऑलवेज पॉजिटिव रखने, जब भी हम स्क्वायर करते तब जब भी तीन टर्म्स बनते उसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑलवेज हम प्लस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भले ही माइनस की साइन हो लेकिन यहाँ पे माइनस फोर नहीं आएगा, प्लस फोर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जब भी दो टर्म्स का स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे मैंने x का स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 होगा, और दोनों को मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल वाला टर्म यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे, अगर वहां प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिख दे, फिर क्या करना है, यहाँ पे हर बार 2 लिखना है। ठीक है, ये 2 जो है वो फिक्स है, हर बार 2 आएगा हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट करके फर्स्ट जो भी है वो लिख देना है, तो यहाँ x था तो x लिख दिया, फिर ब्रैकेट करके सेकंड में जो है वो लिख देना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक्सपांशन करना है, आइडेंटिटी यूज करने, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की थी उसी तरीके से आपको याद रखना है कि मैथ्स में हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी दो टर्म का स्क्वायर आता है वहां पे ये वाली आइडेंटिटी ऑलवेज अप्लाई करनी है आपको। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता तो लिख देते, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो भी होता है वो कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर, टू इंटू टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा इन तीनों टर्म्स में, तो ये टू इंटू टू हो जाएगा फोर, और पीछे बचा वेरिएबल एक्स, तो एक्स फोर एक्स बन जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस फोर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब जो भी राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसको शिफ्ट कर दे तो बन जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ माइनस फोर एक्स का इस साइड आएगा तो प्लस फोर एक्स, और प्लस फोर का माइनस फोर, और राइट साइड में क्या बचेगा जीरो। ओके, अब यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स है उसको प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ओके, फिर ये थ्री एक्स और फोर एक्स, ठीक है, एक्स वाले टर्म्स लाइक टर्म्स होंगे तो थ्री एक्स और फोर एक्स, क्योंकि उनकी साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एड होके यहाँ पे बन जाएगा सेवन एक्स, और नेक्स्ट नंबर वाले टर्म्स देखे तो वन माइनस फोर हो जाएगा माइनस थ्री, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या रहेगा जीरो। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन दिख रही है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो इक्वेशन दिया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन आपको दिया है एक्स प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब देखो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन वन में दिया था वहां पे स्क्वायर आता था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको दिया है क्यूब दिया है। ओके, एक्स प्लस टू का क्यूब है, तो जब स्क्वायर आता है तब स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है, लेकिन जब क्यूब आता है तब हमें क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे एक्स का क्यूब कर देंगे और ट्यू टू का क्यूब कर देंगे और खत्म, ठीक है, पूरी आइडेंटिटी अप्लाई करके आंसर लिखना है। और क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है वो भी हमने क्लास नाइन में सीख लिया है, ठीक है, कि एक्स प्लस टू का क्यूब अगर मुझे एक्सपांड करना हो, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले मैं एक्स का क्यूब कर दूंगा, प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, माइनस की साइन है तो माइनस लिखता, ओके, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो मैंने क्या लिखा प्लस, फिर टू का क्यूब कर देंगे तो टू का क्यूब हो जाएगा एट, ठीक है, सबसे पहले एक्स का क्यूब फिर टू का क्यूब, ये हमें फर्स्ट दो टर्म के क्यूब कर देने। अब यहाँ पे इसका एक्सपेंशन खत्म नहीं हो जाता है, इसके बाद दो एक्स्ट्रा टर्म्स और भी आते हैं जो आपको कंपलसरीली लिखने पड़ते हैं, अगर नहीं लिखते हो तो आपका आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। वो टर्म्स कौन से वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देना है प्लस थ्री इंटू दो ब्रैकेट कर देने, ठीक है, वापिस यहाँ पे लिख देना है थ्री और दो ब्रैकेट कर देने, ठीक है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, हर बार ऐसा सेम आएगा, थ्री दो ब्रैकेट थ्री दो ब्रैकेट थ्री दो ब्रैकेट थ्री दो ब्रैकेट, ठीक है, इस बार ऐसे ही हर बार से हम लिख देना है। फिर फर्स्ट टाइम में हमें यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर रखना है, सेकंड टाइम हमें यहाँ सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ दो ब्रैकेट से उसके अंदर ये दो चीजें हमें रख देनी है, जैसे एक्स और टू था तो यहाँ एक्स टू एक्स एंड टू इस तरीके से रख देंगे। ओके, नेक्स्ट इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एट, ये बन गया x का स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और ये थ्री टू जा हो जाएगा सिक्स, तो ये बन जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो यहाँ टू का स्क्वायर होगा फोर, फिर फोर यहाँ थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ट्वेल्व, और ये x वेरिएबल पीछे लगा देंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, इतना चार स्टेप बनेगा, ठीक है। जब भी दो टर्म का क्यूब होता है, ठीक है, यहाँ सॉरी क्यूब था, यहाँ पे दो टर्म का जब भी क्यूब होता है तब टोटल में चार टर्म्स इस तरीके से लिख दे रहे, तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा क्यूब करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स। ओके, और इज इक्वल टू में यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा टू एक्स क्यूब, ठीक है, और टू एक्स इंटू वन मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा टू एक्स, और प्लस माइनस यहाँ पे साइन क्या आएगी माइनस, तो यहाँ पे हमने क्यूब को सिंप्लीफाई कर दिया और इज इक्वल टू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था वो मल्टीप्लाई करके हमने राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई कर देनी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो भी राइट हैंड साइड में चीज है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स क्यूब को हम इस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब,
और माइनस टू एक्स को हम इस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस टू एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा जीरो। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स होंगे उसको हम एड कर देंगे। ओके तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म आपको दूसरा यहाँ पे दिख रहा है माइनस टू एक्स क्यूब, तो इन दोनों की साइन ऑपोजिट है तो इन दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। टू माइनस यहाँ पे कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया, मतलब वन कंसिडर करेंगे, तो टू माइनस वन क्या होता है वन एक्स क्यूब, और बड़ा नंबर माइनस टू एक्स क्यूब है तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगी माइनस। ठीक है, इसकी साइन माइनस थी इसलिए बड़े नंबर की साइन लगती है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए माइनस। अब देखते एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक दिया है, दूसरा कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब देखते हैं एक्स एक्स वाला टर्म। ठीक है, तो एक्स वाला टर्म यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2x, दो टर्म्स दिए और दोनों की साइन कैसी है सेम है, 12 भी प्लस 2 भी प्लस, सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा 14x। ओके, अब देखते हैं नंबर वाले टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा पूरा इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो भी मैक्सिमम पावर है वो 3 है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगा वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पावर है लेकिन 2 पावर मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम पावर हमारी कौन सी है 3, तो ये वाला जो इक्वेशन है वो क्यूबिक होगा, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे नो इट इज नॉट एन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, यहाँ पे x माइनस टू का क्यूब है, तो ये आइडेंटिटी यूज करके आपको एक्सपांड करना है। तो सिर्फ मैं इसको एक्सपांड कर देता हूं, उसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो x माइनस टू का क्यूब अगर उसको हम एक्सपांड करें तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, सबसे पहले x का क्यूब हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस था तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो पहले दो टर्म इस तरीके से लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस 3 इंटू दो ब्रैकेट प्लस 3 इंटू दो ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे हम करेंगे सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, हर बार सेम रहेगी, 3 इंटू दो ब्रैकेट प्लस 3 इंटू दो ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। फिर यहाँ पे x इंटू माइनस एक्स एंड माइनस टू x एंड माइनस टू लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एट प्लस 3 2 6, लेकिन प्लस और यहाँ अंदर माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखे तो माइनस टू का स्क्वायर, अब माइनस टू का स्क्वायर आपको याद रखना है कि प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस टू का स्क्वायर आपको माइनस 4 नहीं लिखना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का स्क्वायर बन जाता है प्लस, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 3 जाए यहाँ पे बन जाएगा 12 इंटू एक्स और सारे टर्म प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये एक्सपेंशन होगा x माइनस 2 के क्यूब का। ये एक्सपेंशन यहाँ पे आप यूज करो और फिर इसके अंदर सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो और फिर आप चेक करो कि क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अगर बन रहा है तो नीचे कमेंट करो कि यस, और अगर नहीं बन रहा है तो नीचे कमेंट करो नो। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।